वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, जो ये क्षण है कि आने वाला पल जाने वाला है, तो ये इतना क्षणिक और ट्रांजिटरी मोमेंट है कि यूं आया और यूं चला जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस क्षण में ठहरना, यही ध्यान है। और हो सके तो इसमें जिंदगी लुटा दो। पल ये जो जाने वाला है, ये जो पल आया और यूं चला गया, हो सके तो इसमें जिंदगी लुटा दो। तो ये जिंदगी में क्या है भी ऐसा लुटाने जैसा कि जिसमें तमाम वरीज, दुनिया भर की चिंताएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध, तमाम चीजों से ग्रसित ये जीवन, जिसमें शायद ही कुछ पल मिलते हैं कि जो हम थोड़ा उस परमात्मा के आनंद को एहसास कर सकते हैं। लेकिन तो यूं ही मोमेंट टू मोमेंट हमारी ये जिंदगी ऐसी कटती जाती है। तो बिंदु जी ने तो एक भजन लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि तेरी हीरे जैसी स्वासा बातों में बीती जाए। हीरे जैसी स्वासा, क्योंकि हीरा सबसे कीमती पत्थर है, तो उससे तुलना उन्होंने सांसों की। लेकिन हो सकता है कि ये जो सांस परमात्मा ने हमें दिए हैं, जो हम पर कृपा की है कि हमें ये सांस दिए हैं, तो ये हीरे से भी अधिक कीमती हैं, ऐसा समझा जा सकता है। तो जब हम इन सांसों के महत्व को समझते हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं, या जो पल हैं, जो मोमेंट्स हैं, मोमेंट टू मोमेंट कैसे जिंदगी जा रही है, उसमें जब हम ठहरना सीख जाते हैं, ध्यान करना सीख जाते हैं, तो तब हमारे में एक अलर्टनेस पैदा हो सकती है, जिससे कि उस अलर्टनेस के साथ जब हम अपने कार्यों को करेंगे, जो भी हम फिर क्रियाएं करेंगे, कर्म करेंगे, उनकी गुणवत्ता बढ़ सकती है। वरना अधिकांश समय इधर उधर की बातों में हमारा बीत जाता है। तो यही उन्होंने भजन में लिखा कि हीरे जैसी स्वासा बातों में बीती जाए, यानी बातें भी इधर उधर की बैठ करके, मान लिया हम निंदा में अपना समय बिता रहे हैं, तो इतनी कीमती सांसें जो भगवान ने हमें दे रखी हैं, उनको हमें कितनी बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना चाहिए यदि हम इस अपने जीवन को कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी टाइम हमारे पास कितना शॉर्ट है। एक छोटा सा जीवन है जिसमें अधिकतर समय हम निद्रा में बिता देते हैं, या खाने में, पहनने में, और अनेक अनेक कार्यों में ये समय हमारा बीतता जाता है। तो वो पल, वो क्षण कि जिसमें हम उस परमात्मा का सुमिरन करें, उनका ध्यान करके इसको, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं, इसमें एक क्वालिटी पैदा करें, ऐसा समय कितना कितना कम समय एक इंसान के पास होता है। तो जो व्यक्ति मोमेंट टू मोमेंट इस चीज़ को जब समझने लगते हैं कि ये समय वाकई जो परमात्मा ने दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने आप हमारी बुद्धि में ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी अलर्टनेस पैदा हो सकती है कि जिससे फिर हमारे जो कार्य हैं वो ज़्यादा गुणवत्ता वाले हों, क्वालिटी वाले हों, और जो हमारे कर्मों से, हमारे कार्यों से कुछ
फ्रूटफुलनेस, कुछ मीनिंग मीनिंगफुल बातें पैदा हो सकती हैं, ऐसा ही अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो ज़रूर है कि अगर हमें योग से जुड़ना है और उन बातों पे ध्यान देना है कि जिससे हमारा जीवन एक राइट डायरेक्शन में अच्छे ढंग से चले, तो हमें थोड़ी दृढ़ता का पालन करना पड़ता है, अपने जीवन में थोड़ी कठोरता भी लानी पड़ती है, और कुछ नियम जो परमात्मा के बनाए हुए हैं उनका जो आदेश है उनका पालन करने के लिए अपने जीवन में थोड़ी दृढ़ता भी लानी पड़ती है, कुछ संकल्प करने पड़ते हैं, और अपने मन को मजबूती से अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा तो है, इसमें प्रयास भी लगता है, लेकिन धीरे 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 ये जो हम इन नियमों के साथ अपने को अलाइन करने लगते हैं, और ये शरीर की ये खास एक बात भी है कि इसको जिस तरह से ढालना चाहो ये वैसा ही ढल भी जाता है। आप देखिए, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं और तो उनकी जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो एक अलग की तरह की फॉर्मेशन में आ जाती हैं। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं या रिक्शा पुलिंग करते हैं या जैसे हार्ड वर्क करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी मांसपेशियां, उनकी बनावट ही एक अलग तरह की हो जाती है। जो लोग वेट ज़्यादा उठाते हैं उनकी मसल्स और तरह की बन जाती हैं। जो लोग सूक्ष्म कार्य करते हैं उनका जो शरीर है वो अलग तरह से ढल जाता है और उनको अलग तरह के खान पान की ही जरूरत पड़ने लगती है। तो देखिए कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने इस शरीर को, अपने आप को अपनी इच्छा अनुसार जिस तरह भी ढालना चाहें, ये धीरे 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 उसी तरह से ढलने लगता है। तो ऐसा प्रयास अवश्य ही करना चाहिए कि उन चीज़ों की तरफ को हम अपने इस शरीर को अलाइन करें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हमारा ध्यान हमारे सांसों पे लगे और हम इन सांसों के महत्व को समझ सकें और उस क्षण को, ये जो क्षण हमारे जीवन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, इन क्षणों को हम और अच्छे से रियलाइज कर सकें, इनमें ठहर सकें और इनका आनंद ले सकें। ऐसी हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए कि जिससे हम उस परमात्मा से एक अच्छे रूप में जुड़ सकें।